किसको अपना कह रहा था ये मेरे ये मेरे ये मेरे अरे गलती से शत्रुओं को अपना मान करके बैठा था मजा आता था जब रसना को भोगता था जब मजा आता था स्पर्शन कर्ण इंद्रिय के विषयों को भोगता था आनंद आता था उसमें ऐसे लगता था अरे मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है भैया जिसको भोगों में मजा आ रहा है इसका मतलब गया क्या गया ये पंचेंद्रियों के विषय रूप शत्रुओं को छोड़ो धर्म रूपी मित्र को भजो क्रूरता को छोड़ो खोटी आदतों से मुख को मोड़ो और न्याय नीति को प्राप्त करो क्या छोड़ो जरा छोड़ दो इस क्रूरता को छोड़ दो खोटी आदतों को छोड़ दो इन व्यसनों को छोड़ दो बुरी आदतों को छोड़ दो टीवी को न्यूज़पेपर को विषय की चर्चाओं को आपसी वार्ताओं को जहां समय की बर्बादी दिखती हो छोड़ दो उसे क्या उपकारी मानो उन्हें जो इसमें निमित्त बनते हैं उन्हें उपकारी मानो भैया ये सब अटकने के स्थान है ये सब अटकाने के स्थान है यहाँ बहुत अटकता है व्यक्ति कहाँ कहाँ समय की इसकी बर्बादी होती है इसे पता ही नहीं है कहाँ कहाँ उलझता और अटकता रहता है खोटी आदतों में व्यसनों में मुख को मोड़ने के लिए कह रहे हैं नाता तोड़ो व्यसनों से मुख को मोड़ो नीति मार्ग को करो प्रशस्त बस इस नीति के मार्ग को प्रशस्त करो धर्म रूपी मित्र को भजो इसका साथ नहीं छूटने नहीं पाई ये सच्चा मित्र है इसके साथ में यदि नरक में भी चले जाऊंगे तो तकलीफ नहीं है और भोग रूपी शत्रुओं के साथ में स्वर्ग में भी चले जाऊंगे तो शांति नहीं है क्या कहा मित्रों के साथ में संकट भी आसानी से निपट जाते हैं और शत्रुओं के साथ में महलों में भी शांति नहीं होती है क्या ख्याल में आ रही है बात ये यदि पंचेंद्रीय विषय शत्रु हैं यदि ये दुश्मन हैं यदि ये अनर्थकारी हैं तो इन शत्रुओं के साथ में स्वर्ग में भी शांति मिलने वाली नहीं है और यदि अंदर में धर्मरूपी मित्र वो यदि साथ में बैठा हुआ है तो फिर कहीं भी चले जाओ फिर कहीं भी अशांति नहीं है धर्म रूपी यदि मित्र साथ में बैठा हुआ है तो कहीं अशांति नहीं है सप्तम नरक की घोर प्रतिकूलताओं की वातावरण में भी घोर प्रतिकूलताओं के वातावरण में भी बाहर नारक कृत दुख भुगते अंतर सुख रस घटा घटी अंतर में घटाघट गट सुख का रस रसा स्वादन करता है रस स्वाद लेता है रस स्वादत सुख उपजे ऐसा अनुभव और ऐसा वेदन ये अंदर में किया करता है देखिए लिखा है यहां पर क्रूरता को छोड़ो और क्रूरता क्या है क्रूरता किसका नाम है स्वयं को चैतन्य स्वीकार नहीं करना इससे बढ़कर कोई क्रूरता नहीं होती है अपने आप को आत्म तत्व स्वीकार नहीं करना इससे बढ़कर कोई, बढ़ कोई क्रूरता नहीं है ये क्रूरता है ये क्रूअल्टी है ये अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा है अपने साधर्मी लोगों को साथियों को आप चैतन्य मानने को तैयार नहीं है आपको वे भगवान नहीं दिख रहे हैं इससे बढ़कर और क्रूरता क्या हो सकती है क्रूरता को छोड़ो क्रूरता किसे कहते हैं क्रूरता को छोड़ करके चरणानुयोग की शिक्षा दे रहे हैं क्रूरता का आध्यात्मिक अर्थ करते हुए द्रव्यनुयोग की शिक्षा दे रहे हैं दो दृष्टियों से क्रूरता को देखा जाता है एक तो आपको एक इंद्री पंचेंद्रीय चारेंद्रीय जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं है ये क्रूरता है खान पान का विचार नहीं है उठने बैठने का चलने फिरने का कुछ विचार विवेक नहीं है ये क्रूरता है और अपने को भी चैतन्य भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करता और दुनिया को भी तुम्हें क्या भगवान नहीं दिखाई देते हैं दुनिया के जीव भी तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देते हैं ये भी एक क्रूरता है ये आध्यात्मिक क्रूरता है ये द्रव्यानुयोग वाली क्रूरता है दोनों ही प्रकार की क्रूरता क्रूरता को छोड़ो खोटी आदतें खोटी आदतों माने व्यसनों से मुख को मोड़ लो धर्म से नाता जोड़ लो नीति मार्ग को प्राप्त करो और भी कहा है सुनो जरा क्या लिख रहे हैं और भी कहा है सुभाषित रत्न संदोह की पंक्तियां लक्ष्मी प्राप्यापयन लक्ष्मी प्राप्या पयन, विकसित वदनाम। कान्तां कान्ताङ्गयष्टिं विकसितवदनां तस्याह पुत्रम पुत्रं पवित्रं प्रथितप्रथुगुणम् तस्य तस् पुत्रं तस्यापि कान्ता मितिविमति जीव जीवमूढः सुभाषित रत्न संदोह चार सौ चार नंबर का यह श्लोक है पता है क्या कह दिया है इसमें हे भव्य तो समस्त प्राणियों को प्रेम उत्पन्न करने वाली देखो कैसे become, कैसे बढ़ता चला जाता है इसकी चाह कैसे बढ़ती चली जाती है इसकी इच्छाएं कैसे बढ़ती चली जाती है इसकी आकांक्षाएं कैसे बढ़ती चली जाती है स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक फिर 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 अरे काशी और हो जाता काश हो जाता वो हो जाता अरे ये और हो जाता ये और हो जाए और हो जाता क्या सोचता रहता है भैया क्या सोचता रहता है जरा सुनो हे भव्य तू समस्त प्राणियों को प्रेम उत्पन्न करने वाली और पालन करने वाली ऐसी प्रचुर लक्ष्मी माने धन भाई ये धन की बात कर रहे हैं जगत के धन की बात कर रहे हैं दौलत को पाकर के भी उसमें संतोष न करके अरे इतना धन मिल गया इतना पैसा मिल गया इतना सब कुछ मिल गया सब कुछ आपको मिल गया है लेकिन ये कह रहे हैं क्या लिख रहे हैं तुझे संतोष नहीं है अब मिल गया ना पैसा 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 क्या किया तूने बीस साल की उम्र से कि पैसे पैसे के लिए भागता रहा पहले पढ़ाई पढ़ाई करता रहा फिर क्यों कर रहा था पढ़ाई कि अच्छी जॉब मिल जाए जॉब करता रहा बिजनेस चालू कर दिया फिर क्यों बिजनेस चालू कर दिया क्यों लग गया इसके अंदर पैसा कमाऊंगा पैसा कमाऊंगा पैसा कमाऊंगा अब अटूट धन संपत्ति को तूने कमा लिया अब तो शांति है कि नहीं सर्वांग सुंदर स्त्री की प्राप्ति के लिए आर्त ध्यान करता है शादी हो जाए क्या अच्छी लड़की मिल जाए अच्छी कन्या मिल जाए अब अब शादी के लिए तैयार हो गया अब क्या करो बोलो ये इच्छा खत्म नहीं है ये खत्म नहीं हो रही है ये अब ये कह रहे हैं अच्छी स्त्री मिल जाए विवाह हो जाए अच्छे लड़के से शादी हो जाए अच्छी लड़की से शादी हो जाए सुंदर कन्या से विवाह हो जाए फिर क्या हुआ विवाह हो हु गया तेरे मनोकामना पूरी हो गई भैया तो चिंता बनी है तुम्हारे पास तो इसमें क्या है फिर लिखते हैं तत्पश्चात उस स्त्री से गुणवान सुंदर पुत्र के पैदा होने की इच्छा करता है अरे यार पत्नी तो है एक अच्छा सा पुत्र हो जाए अच्छी संतान हो जाए पुत्र हो जाए भाई साहब ये इसकी तृष्णाएं ये इसकी इच्छाएं ये मिटती नहीं है मरते दम तक और 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 हो जाए थोड़ा सा बस थोड़ा सा ये एक एक बेटा ये बच्चे तो होने ही चाहिए भाई साहब एक, एक बच्चा तो कम से कम होना ही चाहिए हमारा अब मन थकता नहीं है चलो कोई बात नहीं बेटा हो गया फिर तो आप तो शांति है अब तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई पुत्र का मुख देख लिया कि नहीं फिर उस पुत्र के विवाह की कामना करता है कि मेरे पुत्र वधु आ जाए तो अच्छा है आगा आगा पुत्र वधु की बात हो गई पहले धन कमाने की बात थी फिर शादी करने की बात थी शादी हो गई बच्चे की बात हो गई अब बच्चा भी हो गया तो अच्छे पुत्र वधु बस मेरे तो अच्छी अच्छी बहू आ जाए घर में अपन तो गंगा जी भाई साहब तीन बच्चे थे अपने तो आखिरी बच्चा है संजय जी भाई साहब बस ये पूरा हो अपने फिर क्या है बेटे की शादी हो गई अब दो बच्चे थे दोनों की शादी हो गई हम फ्री हो गए बस और क्या है हो गए ना अब तो फ्री नहीं फिर उस पुत्र वधु के पुत्र होने की इच्छा करता है अब क्या करें? अब क्या के पुत्र होने की कर रहा है? लो ये पोते का मुंह तो देख लें भाई ले भाई साहब ये पोता तो चाहिए क्या पोता, पोता तो होना चाहिए अब भाई अब बच्चों अब भाई कब पोते का मुंह देखेंगे कब पोते का मुंह देखेंगे भाई बस पोते का मुंह देख ले ले। आप देखो आप पुत्र वधु के पुत्र होने की इच्छा करता है अर्थात पौत्र की चाह करता है हे भव्य तुझे कह रहे हैं हे भव्य प्राणी तेरी ही बात कर रहे हैं क्या कर रहा है तो इस प्रकार इच्छाओं से व्यर्थ क्यों खेत खिन्न होता है ये बता मुझे क्या ये इच्छाएं मिटती नहीं है ये इच्छाएं मिटती नहीं है तृष्णाएं हैं ये खाई है तृष्णाओं की इसको भरने के खूब प्रयत्न किए जाएं लेकिन ये बढ़ती नहीं है तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही दो पाया था चौ पाया हुआ फिर पाए में चैन नहीं फिर होकर अट पाया मानो अपना जीवन यूं फंसा दिया क्या ऐसा है हालत ये कोई पुराना भजन नहीं है ये तो लेटेस्ट है अभी तत्काल का एक मिनट पुराना भी नहीं है ऐसा दो पाए से चौपाया हो गया चौपाए से आठ पाया हो गया फिर उसमें जल करके मकड़ी के जाले की तरह फंस गया और क्या करें ऐसी हालत है रोज सबकी यही हालत हो रही है सबकी यही हालत है इसी तरह से उलझे एक के बाद एक के बाद एक अपेक्षाएं एक के बाद एक अपेक्षाएं बस बस यह काम और हो जाए। बस यह काम और हो जाए जाए बस काम और अरे वो पुरानी चीज मिटती नहीं है कि नई चीज खड़ी हो जाती है अरे कितनी तमन्ना थी कि गोल्ड मेडल आ जाए और उसके लिए दिन रात एक कर दिए मैं सुनाता हूं अनुभव की बात पुरानी क्या पुराने समय की बात अभी तो कॉलेज वाले कितने कौन सुन रहे होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स भी होंगे बहुत सारे कितना तो शादी में नहीं जाना खाने के लिए नहीं जाना मेहमानों के लिए नहीं जाना कोई आ जाए तो मिलना नहीं किसी से बात करना नहीं टीवी देखना नहीं काम करना नहीं खेलना कूदना नहीं छह महीने आठ महीने तक दिन रात एक एक करके एक एक करके भाई साहब क्या दिन रात एक एक, एक करके एक एक मिनट एक एक क्षण पढ़ाई 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 बस इस बार टॉप करूंगा बस यूनिवर्सिटी और फिर क्या हुआ परीक्षा की घड़ी आ गई और परीक्षा दे दी और फिर क्या हुआ रिजल्ट आ गया और टॉप कर लिया अब बताओ ये जो आठ महीने से बराबर चल रही थी दिमाग में इन आठ महीनों का जो आनंद है क्या ये जो आठ महीनों से जो तकलीफ भोग रहा था ये आनंद आठ दिन भी रहेगा क्या क्या बोलो आठ महीनों से जो तकलीफ भोग रहा था जिस आनंद के लिए जिस तमन्ना के लिए जिस अचीवमेंट के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था कई कई साल साल लगा करके ये व्यक्ति पढ़ता है मेहनत करता है गोल्ड मेडल के लिए अरे ओलंपिक्स वगैरह के अंदर जाकर के गोल्ड जीतने के लिए मालूम क्या क्या मालूम क्या 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 बोलो बहुत बातें सोचता रहता है ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए और फिर वो हो जाने के बाद अब तो अब तो शांति मिल गई नहीं अभी खत्म होती है अभी गोल्ड मेडल मिल गया ना अब ये कहता है अब अब प्रचार करो इसका लोगों को पता लगना चाहिए पता ही नहीं लगा लोगों को मजा नहीं आया यार लोगों ने बधाई नहीं दी अभी तक तो मजा ही नहीं आया इसका रखा मजा तो तब आएगा जब लोग कहेंगे बोलो अब और आगे चलो अब अब क्या करें अब क्या करना है अब अब तो अब डिसीजन लेना है अपने को अब हमारा गोल्ड मेडल आ गया अब वो ये कह रही कि हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कर लो वो कह रहे हमारे यहां कर लो अब कई के ऑफर आ रहे हैं वो कह रहे हैं यहाँ अप्लाई कर लो आगे फर्दर स्टडी करनी है उसमें करो इसमें करो इसमें करो माथा घूम रहा है टेंशन में आ रहे हैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ क्या क्या करके आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी उलझन में है अरे आठ महीने की जो तकलीफ तूने भोगी थी कम से कम आठ महीने का आनंद आठ महीने नहीं सही तो चार महीने तो सही कम से कम दो महीने तो सही उसका आनंद भोग दो दिन नहीं चलता है दिमाग में नई टेंशन चालू हो जाती है ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर शांति कहाँ है चार दिन कहाँ चांदनी रात दिखाई देती है ये तो कहावत चल पड़ी है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है बोलो चलती नहीं है ये ये है ही नहीं है सारा आनंद गायब हो जाता है एक दो नहीं बीसों प्रसंग इस तरह के सुना सकता हूं कि चलते चलते एकदम खत्म लो ये क्या हुआ जिसके लिए कर रहे थे वो भी हो गया खीर में मूसल डालने जैसी बात है चार घंटे मेहनत करके खीर बनाई अच्छे से और जैसे ही मुंह में एक गास लिया और कंकर आ गया लो ये क्या हो गया ऐसी स्थिति है छह घंटे मेहनत करके तैयारी की आपने और सब तैयार हुआ और अंत में आप खाना खाने के लिए बैठने वाले थे और भगोने के अंदर एक बिल्ली मुंह मार के चले गई अब क्या करें बोलो बिल्ली झूठा करके चले गई उसे सब खत्म हो गया सारा रायता फैल गया अब किसी काम का ही नहीं रहा अब क्या करोगे कुत्ते ने मुँह मार दिया ए, खतम, ए, खतम, ए, क्या किया सारी मेहनत खत्म ही हो गई ऐसे ख़त्म हो जाती है एक झटके में ख़त्म हो जाती है ये दिखा रहे हैं यहाँ पर ये और इसकी अपेक्षाएं ख़त्म नहीं होती हैं हमारे आदरणीय पंडित जी साहब ज्ञानचंद जी साहब विदिशा वाले वे सुनाते थे रास्ते में कोई सज्जन दिख गए और बिना जय जीनिंद्र किए आंखें मिली और बिना जय जिन किए हुए निकल गए और हमारे माथे पे टेंशन किस बात की जय जनेन्द्र भी नहीं किया मेरे से अरे और गजे भी हो गई भाई साहब जय जनेन्द्र भी नहीं किया अच्छा कदाचित अगली बार आप उधर से निकल रहे थे और उन्होंने जय जिनेन्द्र कर लिया और जय जिनेन्द्र करके आगे बढ़ गए तो ये कहता है जय जनेन्द्र कर लिया रुके तक नहीं हमसे बोलने के लिए अब अब देखो अब अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है पहले क्या चल रहा था जय जनेन्द्र भी नहीं किया उसने जय जनन्द्र कर लिया और आगे चले गए अब इतना लगता है जय जनंद्र करके ही चले गए रुके तक नहीं हमारे पास में अब बोलो अब अब ये रुक गए बात करने के लिए तो रुक करके बात करके चले गए तो ये कहता है दो मिनट खड़े रह करके बात किए और हमसे हमारी तबीयत के बारे में ही नहीं पूछा क्या और स्टेप आगे बढ़ता है मेरी तबीयत के बारे में तो पूछ लिया लेकिन मेरी वाइफ का अभी ऑपरेशन कराया था उनके बारे में तो इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं अरे तो तुझे कहीं संतुष्टि मिलेगी क्या ये बता तो सही क्या कहीं संतुष्टि मिलती नहीं है इसको सदा काल बेचैन बना रहता है सदा काल आकुलित बना रहता है काश ऐसा हो जाता काश ऐसा हो जाता जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य वैसे व्रथा चंड कर विकल्प यू नहीं परिणमे परिणम ऐसे बोलो नहीं है क्या ऐसी हालत व्रथा मूर्खता पूर्ण विकल्प करता है यू नहीं परिणमे परिणम ऐसे ऐसे परिणाम जाना चाहिए था ऐसे हो जाना चाहिए था क्या बहुत पुराना भजन है तुम तो। जे जे जड़ चेतन की परिणति अर्थ समझ में आ रहा है क्या क्या बहुत गजब का भजन है जे जे जड़ चेतन की परिणति जड़ और चेतन का परिणमन थे अनिवार्य वैसे और व्रता शंड मूर्ख कर विकल्प यू नहीं परिणाम परिणाम ऐसे क्या बोलो यू नहीं परिणमे ऐसे परिणाम जाए बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता विचार करता रहता है ओए ऐसे नहीं ऐसे चल इधर नहीं इधर चल वही हालत दिखाई देती है क्या बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता बहुत समय बाद में याद आया आज है कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है और चलते चलते ऐसा सोच रहा है कि मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूं मैं ही तो चला रहा हूं इस बैलगाड़ी को मैं ही तो चलाता हूं मैं नहीं तो चलाया है चलता जा रहा है चलता जा रहा है और दो तीन किलोमीटर तक बराबर चलता रहा और माथे पर बस अरे क्या मैं इतनी बड़ी गाड़ी को मैं चला रहा हूँ और दिमाग में सेट है बात मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी को और फिर हुआ क्या और फिर क्या हुआ किसी एक चौराहे पर आने के बाद में वो बैलगाड़ी घूम गई लेफ्ट में और कुत्ता घूम गया राइट में और कुत्ता राइट में घूमता है फिर पो 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 पिल्लाता है पीछे अरे इधर नहीं इधर इधर नहीं इधर इधर नहीं इधर चलना है और दो मिनट खड़े रह करके चिल्लाता है वहाँ और फिर वो बैलगाड़ी तो चल भी नहीं रही थी इसके हिसाब से दौड़ करके वापस बैलगाड़ी के नीचे चला जाता है और कहता है कोई बात नहीं अब इधर चलना है तो इधर ही चल लेकिन चलाता तो मैं ही हूं क्या प्रणामन तो मैं ही कराता हूँ कोई बात नहीं अब आपको ऐसा करना है तो ऐसा ही कर लो लेकिन करता तो मैं ही हूं करता तो मैं ही हूँ भाई साहब ऐसी हालत है बिल्कुल सारे जगत का परिणाम स्वयं हो रहा है क्यों करता बनते हो क्यों करता बनते हो शकट के समान भार अपने माथे पर लेकर के बोलो अब क्या कहें भाई साहब वो बैलगाड़ी को चलाने वाला जो था वो कौन है मैं किसके लिए कहूँ कौन है किसका नाम लूँ मैं अच्छा तो यही है सब अपना अपना नाम लगा ले हुए वहां मैं बैलगाड़ी को खींच रहा हूं वो बैलगाड़ी को खींच रहा था अब मकान को खींच रहे हैं हम बाहरी गाड़ी को खींच रहे हैं हम दुकान को खींच रहे हैं हम फैक्ट्री को खींच रहे हैं दुनियादारी को खींच रहे हैं खींच रहे हैं हम सब सब कर रहे हैं मैं ही चला रहा हूँ इस मकान की व्यवस्थाएं मैं देखता हूँ ये घर मेरे हिसाब से चलता है ये फैक्ट्री मेरे हिसाब से चलती है ये मंदिर मेरे हिसाब से चलता है अब पता नहीं भैया कौन है मैं नहीं कह रहा हूँ जैसे ऐसा लगता हो कि ये मकान मेरे हिसाब से चल रहा है जैसे ऐसे लगता हो कि ये फैक्ट्री मेरे हिसाब से चल रही है दुकान मेरे हिसाब से चल रही है मैं ही तो चलाता हूं सब कुछ मैंने इसको कहां से कहा पहुंचा दिया अच्छा तीन किलोमीटर पहुंचा दिया उसने कुत्ते ने तो उसने तो तीन किलोमीटर पहुंचा दिया था उस बैलगाड़ी को अब पता नहीं हम लोगों ने कहा से कहा पहुंचा दिया पंडित जी देखो तो सही मैं ही तो कर रहा हूँ सब कुछ घर बार महल मकान ये सब मैंने बनाया है ये मेरी तैयारी है ये मेरे द्वारा किया गया है वेरी गुड वेरी गुड दैट्स गुड मैं नहीं कह रहा हूँ सब अपने अपना नाम सोच ले किसी को नहीं कौन कहे भैया आज के ज़माने में कौन किसको क्या कहे भाई साहब कहना बहुत खतरनाक है किसी को कुछ कहना मत किसी को कुछ नहीं कहा जाता है यहाँ तो मौन ही श्रेयस्कर है चुप रहो बस कुछ मत बोलो मैंने भी कुछ नहीं कहा है किसी भी व्यक्ति को आप लोगों को कुछ नहीं कहा है किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ मैंने तो वो घटना सुनाई है बस उसकी बैलगाड़ी वाले कुत्ते की उसकी घटना सुनाइए जे जे जड़ चेतन की ते अनिवार्य परिणाम वैसे व्रता चंड कर विकल्प यू नहीं परिणमे परिणम ऐसे काश ऐसा हो जाता काश ऐसा हो जाता ऐसा और कर लिया जाता इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा इनको ऐसा बोल देना चाहिए था ये ऐसा बोलते तो अच्छा होता इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया ये वहाँ क्यों नहीं चले गए ये वहाँ क्यों चले गए इनको ऐसा होना चाहिए था इनको ऐसा होना चाहिए था ये लड़की क्यों हो गई लड़का पैदा होना चाहिए था ये ऐसा क्यों हो गया ये ऐसा हो जाना चाहिए था ये काला क्यों हो गया ये गोरा हो जाना चाहिए था ये तबीयत खराब क्यों हो गई ये सही हो जानी चाहिए थी ये बिगड़ क्यों गई इसको सुधर जाना चाहिए था ये नमक ज़्यादा क्यों गिर गया है? इसमें कम गिरना चाहिए था इसका ऐसा हो जाना चाहिए था क्या करे भैया कहाँ कहाँ चला रहा है हे अनंत इच्छाएं अनंत इच्छाएं अनंत इच्छाओं को पाल करके बैठा है ये महाराज साहब यहाँ लिख करके के चले गए हैं भाई साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर तेरे को दौलत प्राप्त करने की तमन्ना थी तुझे दौलत की प्राप्ति हो गई फिर तुझे स्त्री की तमन्ना थी तुझे स्त्री की प्राप्ति हो गई पहला सुख निरोगी काया दूजा सुखो घर में माया फिर सुलक्षणा नारी फिर पुत्र आज्ञाकारी हम तो तू छोड़ दे भैया अभी भी क्यों तू ये चाय लेकर के बैठा हुआ है कब तक चलेगा क्या बोलो कब तक ये इच्छाएं लेकर के बैठा रहेगा ये लिखा है इन्होंने सर्वांग सुंदर स्त्री की प्राप्ति के लिए आर्थ ध्यान करता है आर्थ ध्यान करता है ओ इष्ट भी होगा अनिष्ट सही हो पीड़ा चिंतन निदान, निदान 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 ये आर्थ ध्यान कर रहा है ये मिल जाए इसकी प्राप्ति हो जाए और उस स्त्री से गुणवान पुत्र अभी ये भी एक एक चीज बड़ी शब्द जो इनके साथ में जोड़े हैं ना इन्होंने विशेषण लगाए हैं ये विशेषण बड़े सुंदर लगाए